हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा कि आपको इसमें इतने पैसे मिल जाएंगे और आप उन्हें खेल सकते हैं तो खेल सकते हैं, और उसके बाद में खेल कर आप जीते हुए पैसे अपने बैंक अकाउंट में निकाल सकते हैं। कुछ वीडियोस में ये भी साबित किया जाता है कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और आपको तुरंत पैसे मिल जाएंगे, आप चाहें खेल सकते हैं, आप चाहें उन्हें विड्रॉ कर सकते हैं। पर अभी तक मुझे ये ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं मिली थी, ठीक है, पर अब ये ऐसी एप्लीकेशन मेरे पास आ चुकी है और मैं इसका आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। और उन्होंने मुझे खुद फ़ोन कर कहा कि जो 300 से लेकर 5000 रुपए तक आपके वॉलेट में हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ठीक है, यानी कि कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, यानी कि 300 से लेकर कम से कम और 5000 रुपए तक, ठीक है। और उसके बाद में आप उन पैसों को खेलना चाहें तो खेल सकते हैं और आप निकालना चाहें तो उन्हें निकाल सकते हैं। इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर कॉल आया था, ठीक है, आई थी मेरे पास, और उसके बाद में मैं यहाँ से इसे कट कर देता हूँ। कट करने के बाद हम इस एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, जूपी, ठीक है। ये जूपी वालों ने मेरे पास कॉल किया था और इन्होंने 300 रुपये आपको ऊपर में देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कैशबैक रिवार्ड्स, ठीक है। मैंने इस पर सिंपली क्लिक किया और जो एक्सपायरी डेट है 18/7/2024 में जाके ये एक्सपायर हो जाएंगे अपने आप, यानी कि अगर आप इन पैसों को निकालना चाहते हैं तो अभी आपको यहाँ पर खेलना होगा, ठीक है, ये बिनिंग में आपके नहीं है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं, चलिए इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशल रिवार्ड्स जो कि 300 रुपये का मुझे यहाँ पर मिला है, ठीक है। पर ये एप्लीकेशन ने बाकी में ही यहाँ पर इन्होंने 300 रुपये दिया है, ये कोई प्रमोटेड वगैरह वीडियो नहीं है, ठीक है। अब इन पैसों से किस तरीके से गेम खेलना है, किस तरीके से निकालना है, वो मैं आपको कंप्लीट इस वीडियोस में बताने वाला हूँ। इसी के साथ में अगर आप और भी अधिक यहाँ पर अमाउंट लेना चाहते हैं तो हम किस तरीके से ले पाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो आईडी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं चलिए बैक करता हूँ और फिर बैक करता हूँ, ऊपर जो आपका वॉलेट में है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 300.29 पैसे, ठीक है, और आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं पूरी की पूरी अमाउंट। चलिए स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हमें लूडो गेम देखने को मिल जाते हैं, इनमें से हम एक लूडो गेम पर हमने सिंपली क्लिक कर दिया है और यहाँ पर जो काउंटिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, ठीक है, 5, 4, 3, 2 और 1 और 0, ठीक है। गेम है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो चुका है। इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि मूवमेंट जो होती हैं, यानी कि 30 बार आपको गोटी चलने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो हम अभी हमारी जो चाल है वो 2 आ चुकी हैं, ठीक है, और इसी के साथ में आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है अगर आप ये गेम खेल रहे हैं और कहाँ से इसे आपको डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारे 5 हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर आपके कम अंक आ रहे हैं तब आपको किस तरीके से जीतना है, दुनिया बताती है कि आपके ज़्यादा अंक आएंगे तब आप किस तरीके से जीत पाएंगे, भाई ज़्यादा अंक आएंगे तो आप खुद ही जीत लेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके कम अंक आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिंगल पहले बल तो आपको ये देखना है कि सामने वाली गोटी आपकी गोटी के आसपास तो नहीं है, नहीं है तो आपको सिंगल गोटी ही आपको पहले ले जाकर उसके सर पर रख देना है, ठीक है। जैसे कि पुट आई है तो अब हम इसमें से चलेंगे पुट के लिए, ठीक है, ताकि अगर ये हमारी गोटी काटे भी तो इसकी गोटी पास में ही रहे और हमें काटने का मौका ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में चलिए हम आगे वाली चलेंगे, क्योंकि हमें इसमें सबसे पहली बात तो इसमें टाइम तो नहीं है निश्चित, पर जो इसके अंदर मूवमेंट है यानी कि लाइफ लाइन है वो आपको कम ही मिल रही है 30, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपको कलर में गोटी को लेकर आना है, ठीक है, और अपनी गोटी को कटने से यहाँ पर बचाना है। कई बार कुछ ऐसे गेम्स हैं जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि आपको गेम खेलते समय कुछ ऐसे यानी कि डिसीजन लेने पड़ते हैं कि आपको गोटी कटने के लिए रखना पड़ती है, ठीक है, तभी आप यहाँ पर जीत पाते हैं। पर इसमें अगर आप काट भी देते हैं गोटी और अपनी गोटी कटवा भी देते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको नंबर नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, तो इस वजह से मैं आपसे कहूँगा अब हमारी गोटी वो है तो हम जल्दी से जल्दी से लेके आएंगे और कलर की तरफ यहाँ पर बढ़ाएंगे गोटी इसके लिए, यानी कि शाम उसके पीछे से हमारी गोटी आ चुकी है। चलिए हम इस वाली गोटी को यहाँ पर हमने रख दिया है, अब जैसे ही हमारा छक्का आएगा तो हम यहाँ से निकाल देंगे, जैसे कि 2 आए हैं तो चलिए हम 2 से उसमें रख देते हैं 1 के लिए,
उसके बाद में 16 अभी हमारी मूवमेंट हैं और फिर से हम चलते हैं, 5 आए हैं और हम चल ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हमारी गोटी कट जाती 2 से तो बहुत बुरा लगता, ठीक है। अब हमारी गोटी बच चुकी है, चलिए अब हमारी ये गोटी बची गई है पूरी तरीके से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली गोटी को हम पहले तो अंदर करेंगे, चक्के से हम इसे अंदर कर देते हैं, ये हमारी पुट्टी पे पहुंच चुकी है, 4 से हम इस वाली गोटी को चल जाएंगे यहाँ पर, देख सकते हैं। अब हमारी पुट्ट आ जाए तो हमारी वहाँ पर यानी कि विजय हो जाएगी एक गोटी, और हम एक गोटी को इधर भी ले आए हैं, तो हम क्या करेंगे, चलिए हम उस वाली गोटी को यहाँ पर चल जाएंगे, और उसके बाद में फिर उसने वही वाली गोटी चल दी है छक्का से, फिर उसने वहाँ पर रख दी, ठीक है, उसका खाली गया। अब चलिए हम चलते हैं 3 से, इसकी गोटी कट रही है, ठीक है, तो चलिए हम गोटी काट देते हैं इसकी। अब इसके बहुत ही कम अंक रह जाएंगे, 40 रह गए और हमारे 119 अंक हैं, ठीक है। तो चलिए हम उसी गोटी को वहाँ पर उसे सेट में रख देंगे, और उसके बाद में अभी 3 इसकी चालें रह गई हैं, तो जब तक हम छक्के से, ठीक है, अब हम इस वाली गोटी को निकाल लेते हैं, यहाँ पर कटती है तो देखते हैं पुट आएगी तो हम कलर कर देंगे। 5 से हमारी गोटी बैठ गई, ठीक है, चार से हम इसे कलर में कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि हम इस वाली को ही यहाँ पर चल देते हैं, तो कहने का मतलब है अगर हम किसी की गोटी इसमें काट लेते हैं उसके बाद में वो हमारी गोटी काटता है तो उसके जो अंक है वो वहाँ पर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, जो कटी वाली गोटी इसकी। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे कि हम यहाँ पर जीत गए थे, ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ पर विड्रॉ कर लेते हैं, टोटल जो अमाउंट है हमारी 266 है, ठीक है। हम यहाँ पर अपनी UPI ID ऐड करेंगे, तो चलिए हम अपनी यहाँ पर UPI ID ऐड कर देते हैं, कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देंगे, प्रोसीड इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, ग्रेट इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, गो टू इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे गो पर, ठीक है। और जो पैसे हैं हमारे बैंक अकाउंट में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर लगभग 80 रुपये इन्होंने रिफंड कर दिए हैं कैशबैक के रूप में, फिर से जो TDS है, कहने का मतलब है जो TDS कट रहा है वो आपको यहाँ पर गेम खेलना होगा फिर से, ठीक है। बाकी के 186 रुपये वो आपके बैंक अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, कहने का मतलब इनका ये है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, आप यहां पर देख सकते हैं 80 रुपये हैं जो कि अभी हमारे वॉलेट में देखने को मिल रहे हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर आप सिंपली क्लिक करके आप यहां पर देख सकते हैं 186.29 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं सक्सेसपूर्वक, और जो TDS रिवार्ड्स है वो यहाँ पर यानी कि हमारे कैशबैक में आ चुका है फिर से। तो 80 रुपये लगभग यहाँ पर आ चुके हैं, वो पैसों से हमें दोबारा गेम खेलना होगा, उसके बाद में जो पैसे जीत जाते हैं तो हम फिर ट्रांसफ़र कर पाएंगे, और उसके बाद में फिर हम जब भी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे फिर जो भी कैशबैक होगा फिर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर खेल सकते हैं। अब ये किन लोगों के लिए है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले कभी भी जूपी लूडो गेम खेला है तो आप उसे डाउनलोड करके अपने फ़ोन में और उसे नंबर से वेरीफाई करके जिस नंबर से आप पहले कभी खेले हैं उससे ID को आप लॉगिन करके देखिएगा, और इसी के साथ में आपको इसमें पैसे ऐड करना नहीं है, ठीक है। मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ कि आपको इसमें पैसे ऐड करना नहीं है, और आपको यहाँ पर देख लेना है। तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।